बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ्स के पीके की चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन की एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो 9 है इफ a माइनस b डिवाइड बाय d माइनस e इज इक्वल टू b माइनस c डिवाइड बाय e माइनस f देन ईच ऑफ देम इज इक्वल टू b इनटू f माइनस d प्लस cd माइनस af डिवाइड बाय e इनटू f माइनस d। तो k मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट a माइनस बी डिवाइड बाई डी माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइड बाई ई माइनस एफ इज इक्वल टू के, और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिख सकते हैं एज ए माइनस बी डिवाइड बाई डी माइनस ई इज इक्वल टू के। तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इज इक्वल टू के इन टू डी माइनस ई, के इन टू d माइनस ई। अब यहाँ पे f और d है, ठीक है, इसके साथ तो इसको इस इक्वेशन को मैं f से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा a मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय f मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय f। तो a f माइनस b f इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा f से मल्टीप्लाई कर, तो f k d माइनस f k e f k e, this is equation number second. Now we know that d minus c divided by d minus c is equal to k into e minus f. तो यहाँ पे d नहीं है, तो इस equation को मैं d से multiply करता हूँ, multiply both sides by d. तो ये आ जाएगा b d minus c d, इसको भी d से multiply करें तो k d e minus के डी ई माइनस एफ के और डी सी मल्टीप्लाई कर लेते, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अब सेकंड और थर्ड को ऐड कर ले, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो ये हमारे साथ बन जाएगा ए एफ माइनस बी एफ प्लस बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू एफ के डी माइनस एफ के ई प्लस के डी ई अवर प्लस के डी ई और माइनस एफ के डी माइनस एफ के डी। तो ये प्लस एफ के डी और माइनस एफ के डी कैंसिल हो जाएंगे। या फिर अगर हम देख ले, ठीक है, तो ये फॉर्म हम बनाना चाहते हैं बी इंटू एफ माइनस डी, ठीक है। तो ये अगर ये मैं पहले लो, या पहले बी है बी एफ है तो बी एफ पहले है, तो माइनस बी एफ में पहले लिखता हूँ और फिर बी डी है तो प्लस बी डी में बाद में लिखता हूँ, ठीक है, इसी की तरतीब के मुताबिक, और फिर सी डी है तो माइनस सी डी में लिखता हूँ और आखिर में ए एफ है, यहाँ पे प्लस ए एफ है तो ये मैं आखिर में लिखता हूँ। इसी तरतीब में मैंने लिख लिया प्रूफ, जिस तरह प्रूफ है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इनमें इनमें k भी कॉमन है और e भी कॉमन है, तो माइनस e मैंने कॉमन निकाल लिया और k यहाँ पे कॉमन, मतलब माइनस e के मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा f माइनस d, f प्लस c माइनस कॉमन निकला तो f माइनस d, मतलब ये पाम हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें माइनस कॉमन लेता हूँ क्योंकि यहाँ साइन चेंज है, तो माइनस में कॉमन लेता हूँ तो माइनस बी एफ, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में कॉमन निकाला है और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ई इन टू एफ माइनस डी इन टू के मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस वन, तो ये हमारे साथ हो जाएगा बी एफ माइनस बी डी, तो बी एफ और बी डी में बी कॉमन है तो बी इन टू एफ माइनस डी और प्लस सी डी माइनस ए एफ cd माइनस ए एफ इज इक्वल टू, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस खत्म हो गया e इन टू एफ माइनस डी इन टू के। अब k इज इक्वल टू b इन टू एफ माइनस डी प्लस cd माइनस ए एफ डिवाइड बाई e इन टू एफ माइनस डी इज इक्वल टू k, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इक्वेशन 4 भी k के बराबर है और इक्वेशन 1 भी k के बराबर है, इसका मतलब ये सारे आपस में बराबर है। सो फ्रॉम
इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर फोर, ए माइनस बी डिवाइड बाई डी माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइड बाई ई माइनस एफ इज इक्वल टू बी इंटू एफ माइनस डी प्लस सी डी माइनस ई एफ डिवाइड बाई ई इंटू एफ माइनस डी। अगर आप क्वेश्चन को देख लें तो ये दोनों ईच ऑफ देम इज इक्वल टू दिस, तो ईच ऑफ देम इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।